रूमेटोइड अर्थराइटिस के अंदर आमतौर के लगभग 99% मरीजों के अंदर ये जॉइंट्स सब डैमेज हो जाते हैं, ठीक, और रिस्ट जॉइंट भी डैमेज हो जाते हैं और ये पूरा पूरा जाम हो जाता है। इनका खोली करात को, इनका भी जाम है, उंगलियाँ भी सब टेढ़ी हो गई थी तो अभी काफ़ी सीधी हो गई हैं। तो हम इनको एक एक्सरसाइज कराते हैं कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, उसमें क्या करते हैं, पहले हाथ सीधा करिए दोनों, नमस्ते करिए। अब देखिए ये उठा, दवाई कस के हाथ में उंगलियाँ मिलाइए, उंगलियाँ मिला ली आपने, उंगलियाँ मिलाई, अब इसको उंगलियों के बीच में अंदर हाथ खोलिए ज़रा, ये सतह और ये सतह इनको आपस में मिलाइए, समझ लीजिए, कस के दबाइए और सब उंगलियों को आपस में मिलाइए, ये भी मिलाइए, अंगूठे मिलाइए और अंगूठे उंगलियों को भी मिलाइए। अभी अच्छी तरह से मिला लिया आपने, अब इसको दूर ले जाइए बॉडी से दूर ले जाइए, कस के कोहनी को पास पास लाने की कोशिश करिए, ठीक, ये हो गया। अब दोनों मुट्ठियों उंगलियों को आपस में फंसा के मुट्ठी सी बना लीजिए और हथेली को कस के दबाइए, यहाँ ये जितना ज़्यादा दबा सकती हैं दबाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए, ये पूरा एक पीस हो जाए, हर चीज़ एक दूसरे से मिली हुई है। अब ये जो गैप है ना, इसको खुलने नहीं देना है आपको, इस गैप को नहीं खुलने देना है। अब पूरा जो इसकी जो ब्यूटी है इस एक्सरसाइज की, कि हम इसको रिस्ट जॉइंट को कैसे खोलें, तो अब इसका ध्यान क्या रखना है कि ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट की सीध में हाथ ले आइए, नहीं सीधा रखिए, तो ये आप ध्यान से देखें, इस महिला के शोल्डर जॉइंट की सीध में, ये कोहनी शोल्डर का जॉइंट का लेवल है और कोहनी का लेवल है और रिस्ट का लेवल है, ये तीनों एक लेवल में ही रहेंगे, ठीक। अब हम कहेंगे कोहनी को मोड़ते हुए इस चीज़ को स्टर्नम, तो गले के नीचे जो हड्डी होती है वो देख, जैसे जैसे पास लाती है ये खुलती चली जाती है, इनको पूरी ताकत लगाने की, लेवल तो सही रखा है इन्होंने, कोहनी का लेवल तो इनका उसी लेवल पर है, पर ये रिस्ट खुल जाती है, रिस्ट नहीं खुलनी चाहिए, तो इनको पूरी ताकत, पहले गर्म पानी में यहाँ तक डुबा लें, ये डुबा करके पूरी ताकत से दबाएं और इसको, ना ये लेवल ऊँचा ही रहेगा, हाँ ऊँचा रखें, अब ये खुल, एक सेकेंड अब यहाँ से ध्यान से देखें कि ये इनका ये पूरा खुल गया है, ये लेवल ये खुलना नहीं चाहिए, दोनों जो हथेलियाँ हैं इनको पूरी ताकत से दबाएं, और जिस दिन ये पूरी ताकत से दबती हुई या सीने की हड्डी से टकरा जाएंगी उस दिन आपका ये रिस्ट जॉइंट खुल जाएगा, ठीक है, करिए ज़रा, हाँ सीधा रखिए फिर मोड़िए, हाँ एक तो इसका लेवल नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, फिर सीधा करिए, वेरी गुड, झटके से, हाँ हाँ ये यूँ क्यों टेढ़ा हो जाता है, ये सीधा ही रहेगा, चलिए करिए चलिए, हाँ हथेली दबाई कसके, वेरी गुड, और दबाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए हथेली को मिलाने में, अब ध्यान से देखें, आप सीधा रखिए हाथ को, हाँ यहाँ से और इस लेवल तक ये चीज़ यहाँ तक आती है कोहनी के लेवल तक, तब तक तो मिले रहते हैं, देख मोड़िए, ये नीचे नहीं ऊपर रखिए, ये यहाँ तक तो मिले रहते हैं, और जब और पास लाती हैं अब ये खुलना शुरू हो रही हैं हथेलियाँ, हाँ एक और दबाइए, और दबाई सीने तक लाइए, देख सीने तक लाते लाते हथेलियाँ पूरी खुल जाती हैं, तो अब इनको ये एक्सरसाइज दिन में कई बार करनी है, ऐसा करने से ये हथेलियाँ खुलना जब बंद हो जाएंगी, इसमें किसी को पैसे नहीं देने हैं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को पैसे नहीं देने हैं, ठीक है, ऐसा करने से कुछ दिनों के अंदर ये पूरा खुल जाएगा हाथ। दूसरा, अब हाथों की उंगलियों को उल्टा फंसाइए, नहीं हाँ अब फंसा के फंसाइए, अब हाथ उल्टा कर दीजिए, एक सेकंड, यस, अब दूर ले जाइए, अब दो कोहनियाँ हैं उनको पास पास लाइए, यानी इन दोनों को, एल्बो जॉइंट को पास पास, नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं आ रहा है, मैं यहाँ तक था, अभी हाँ पहले कहाँ था, यहाँ तक था, और अब कितना है, खुल गया, तो ये खुलेगा, अब इसको पूरी ताकत से दबाइए, अब आपके ये जॉइंट्स हैं ना, ये जॉइंट्स अब डैमेज हो रहे हैं, तो इनको और जितना दबाइए उंगलियों से, और दबाइए, देखिए अब तो कितना सीधा हो गया, पहले बिल्कुल नहीं था, स्वीकार, पहले यहाँ तक था, अब सीधा हो गया, करिए और दूर खींचिए, और पूरी बॉडी की ताकत को केंद्रित कर दीजिए, हाथ को अपने शरीर से दूर ले जाइए, कोहनियों को पास लाइए, यस, कोहनी और पास लाइए, लगा दीजिए पूरी ताकत, हाथ को दूर ले जाइए, कोहनियों को पास लाइए, यस, वेरी गुड, हाँ समझ में आया आपको,
अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपके शोल्डर जॉइंट को बताने के लिए, सेम कंडीशन करिए, उसी उल्टा करिए, हाँ खींचिए खींचिए और दूर खींचिए और दूर खींचिए, और खींचते खींचे घुटनों तक ले आइए, खींचे रखिए, कोहनी को पास लाते रखिए, घुटने तक ले आइए और ज़ोर से खींचिए, हाथों को दूर ले जाइए बॉडी से, कंधे से दूर ले जाइए, कोहनी पास पास लाइए, आप इन हाथों को ऊपर ले जाइए, खींचते हुए ऊपर ले जाइए आसमान की तरफ, करिए करिए, यस यू कैन डू, हाँ वेरी गुड। अब आप अपने कानों को इन बाहों से दबाइए और ऊपर हाथ ले जाइए, दबाइए कान टच करिए, कान दबाइए, कान दबाइए और ज़ोर से, कोहनी पास लाइए, कान दबाइए और हाथों को ऊपर ले जाइए और दूर से और ज़ोर से, और मनी मन में भगवान शंकर आपकी जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। ऐसा करेंगे रूमेटॉइड वाले मरीज अगर शुरू से ऐसा करते रहें तो ना तो कलाइयाँ जाम होंगी, ना कोहनी जाम होंगी और ना ही कंधे जाम होंगे। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, DMRDs देते हैं, बायोलॉजिकल्स देते हैं, पर दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो जोड़ों की डिफॉर्मिटी को रोक ले, उनकी अकड़न को रोक ले, ये तो आपको खुद ही करना पड़ता है। और एक कसम खा लें, मरना है तो मर जाएंगे, पर जब तक 2 घंटे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। अगर आप ये रूल बना लेते हैं कि खाना तभी खाएंगे जब हम 2 घंटे एक्सरसाइज कर लेंगे, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस शरीर के हर जोड़ को प्रभावित करती है और 2 घंटे में शरीर के सभी जोड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप 5-6 हज़ार रुपये का बाथटब आता है, वो एक बाथटब खरीद लीजिए, बाथटब में आधा घंटे पूरी बॉडी को गर्म कीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। तो 2 घंटे के सेशन के अंदर आधा घंटे एक्सरसाइज बाथटब में कीजिएगा, बाथटब और एक 35 लीटर का गीजर, मोटा मोटा मान लीजिए आपका 10,000 से 15,000 का खर्चा है। यदि आप ये खर्चा नहीं कर सकते तो ये मन बना लें हमारी बॉडी तो टेढ़ी मेढ़ी डिफॉर्म होनी होनी है, और जो व्यक्ति ये खर्चा नहीं कर सकते हैं तो उनकी बॉडी तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, दुनिया की कोई ताकत, कोई डॉक्टर, कोई भगवान, कोई विष्णु बॉडी को डिफॉर्म होने से नहीं रोक पाएगा, आप ही रोक सकते हैं, आपको ज़बरदस्त तरीके से ही करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा वही देख लीजिएगा, फिर ऐसा हाथ हो जाएगा आपका, नहीं करेंगे तो सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा। दूसरा हाथ लाइए, लाइए हाथ, दोनों हाथ रखिए। पिछले 30 साल से ये डॉक्टरों से इलाज करा रही हैं, डॉक्टरों से मतलब ना इनको मतलब कि हमारा क्या टेढ़ा हो रहा है, यही इनके पैरों की हालत है, ये इनके कंधों की हालत है। तो प्लीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर लड़िए और लड़िए और लड़िए और लड़िए। सिर्फ उसी दिन छुट्टी मिलेगी जिस दिन आप लेटरिन नहीं जाएं, पेस्ट नहीं करें, नहाएं नहीं, खाना खाएं, उस दिन की छुट्टी रहेगी आपको बस। जिस दिन पेस्ट नहीं करें, टॉयलेट नहीं जाएं, नहाएं नहीं और खाना नहीं खाएं, उस दिन एक्सरसाइज भी नहीं करें। सोचें किस दिन ये नहीं करेंगे, यानी पूरी ज़िंदगी ये करेंगे तो ये करेंगे। और अगर आपको विकलांग होना है तो आपकी इच्छा है, डॉक्टर की कोई इच्छा नहीं है, कोई डॉक्टर आपको एक्सरसाइज नहीं कराएगा और कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं कराएगा। 6 घंटे की फिजियोथेरेपी कराने का फिजियोथेरेपिस्ट ही 6,000 रुपये ले लेगा, और एक सामान्य मध्यम वर्ग का तो 6,000 फिजियोथेरेपी के नहीं दे पाएगा। तो खुद ही करिए, खुद ही लड़ना पड़ेगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810122433, लैंडलाइन 0114243006।